आज हम लोग बात करने वाले हैं एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है एआई आर्ट के कॉपीराइट लॉस के ऊपर। क्या लॉस है, क्या आप लोग इसको यूज कर सकते हो, कॉपीराइट आएगा कि नहीं आएगा, क्या आप लोग एआई आर्ट से पैसे कमा सकते हो लीगली, सब कुछ बताऊंगा मैं आज के इस वीडियो में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं एआई टूल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग एआई आर्ट जनरेटर्स के लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। एआई आर्ट जनरेटर्स क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, उसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको आई बटन पर मिल जाएंगे। फ्री में भी कौन कौन से अच्छे हैं वो सब में भी आपको आई बटन पर मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू गिव वन डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट अ कॉपीराइट लॉ स्पेशलिस्ट। जो भी मैं बता रहा हूँ वो मेरे रिसर्च के बेसिस पर है, जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने लोगों से बात करी है, प्लस द वे आई यूज एआई आर्ट जनरेटर्स, उस सब के बेसिस पर आई विल टेल यू। एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 26 अगस्त 2023। हो सकता है फ्यूचर में इसके रिलेटेड लॉस चेंज हो जाए। पहले ये समझते कि एआई आर्ट जनरेट कैसे होता है। तो बेसिकली जैसे हर एआई को यहाँ पे ट्रेन किया जाता है, वैसे यहाँ पे एआई आर्ट जनरेटर्स को भी ट्रेन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड फोटोज। जितने भी फोटोज थे इंटरनेट पे, जो भी पब्लिकली एक्सेसिबल थी, वो सब फोटोज एआई को ट्रेन कर दी गई, एआई को दे दी गई, एंड एआई को कहा कि इसके बेसिस पर अब आप एक नई फोटोज बनाओ। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कैन यू यूज एआई आर्ट कमर्शियली। एट प्रेजेंट ऐसे कोई नोन लॉज नहीं है जो कि एआई आर्ट को कमर्शियली यूज करने से रोके। तो आप लोग एआई आर्ट को कमर्शियली यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट टू मेक मनी। आप उससे सेल कर सकते हो, टी शर्ट्स वगैरह बना सकते हो, आपके आइकन बना सकते हो, वेबसाइट के डिजाइन बना सकते हो, ये सब आप लोग कर सकते हो। लेकिन इस पर आप लोग कॉपीराइट नहीं कर सकते हो। कॉपीराइट अभी यहाँ पर इस पर अलाउड नहीं है, मतलब कि आपने एक टी शर्ट डिजाइन बनाई एआई आर्ट से एंड देन उसके लिए कॉपीराइट फाइल कर दिया आपने रिसेंटली। अभी रिसेंटली एक जज ने, यूएस के जज ने इसके अगेंस्ट रूल आउट किया था कि आप उसको कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते हो। कॉपीराइट क्लेम सिर्फ उसी पर किया जा सकता है जिसको ह्यूमन ने बनाया हो पूरा फ्रॉम सोर्स। लेकिन क्योंकि फ्रॉम सोर्स डिफरेंट ह्यूमन बींग्स है एंड देन मशीन्स है, तो इसको यहाँ पे कॉपीराइट एट प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो दैट मीन्स कि यू कैन यूज इट टू मेक मनी, बट एट द सेम टाइम आप कितने भी टर्म्स ऑफ सर्विस डाल दो, आप कितने भी उस पर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह डाल दो, पीपल कैन लीगली यूज इट और कॉपी इट और क्लोन इट। जैसे मैंने एक टी शर्ट की डिज़ाइन बना दी, आई कैन यूज इट टू मेक मनी, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो भी उस डिज़ाइन को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। एटसी पे जो भी मैं सेल कर रहा हूँ, लोग उसकी हूबहू कॉपी कर सकते हैं, एंड क्योंकि मेरे पास उसके लिए कॉपीराइट नहीं रहेगा, तो आई कैन नॉट प्रिवेंट अदर पीपल फ्रॉम क्लोनिंग माई डिज़ाइन। नाउ दैट बींग सेड, सारी जगह पे एआई आर्ट को यूज़ नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने इसको बैन भी किया है, जैसे कि रिसेंटली स्टीम ने, जो कि एक गेम प्रोडक्शन के लिए, जो कि गेम रिलीज वगैरह करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर एआई आर्ट को बैन कर दिया कि एआई आर्ट वर्क नहीं यूज़ किया जाएगा उनके गेम्स में। लाइकवाइज और भी यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री है जिन्होंने एआई को फिलहाल के लिए बैन करके रखा है। अब एआई आर्ट को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो ब्लॉग पे, ब्लॉग इमेजेस बना सकते हो, एटसी पे सेल कर सकते हो, टी शर्ट डिज़ाइन, मग डिज़ाइन एंड यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह आप लोग एआई आर्ट से बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ दैट बीइंग सेड, देयर इज अ कैच इन इट। आप लोग सारी इमेजेस नहीं बना सकते हो, सारी इमेजेस पे आपको ऐसा नहीं है कि कॉपीराइट आएगा ही नहीं। कुछ कुछ ऐसी पर्टिकुलर इमेजेस है जिस पे कॉपीराइट आ सकता है। फॉर एग्जांपल किसी का कोई ओरिजिनल कैरेक्टर है, आपने उसके ऊपर कुछ एआई रन कर दिया, तो दैट इज़ नॉट अवेलेबल। फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन, मैंने कहा स्पाइडरमैन इन मुंबई सिटी, तो दैट इमेज वो मैंने बनाई है, लेकिन क्योंकि स्पाइडरमैन जो कैरेक्टर है वो कॉपीराइटेड है मार्वल के थ्रू, तो मार्वल इज हैविंग लीगल राइट्स कि वो मुझे यहाँ पर कॉपीराइट नोटिस भेज सकते हैं। बॉटम लाइन इज कि ओरिजिनली कॉपीराइटेड कैरेक्टर्स की हमें इमेजेस नहीं बनानी है। ये वैसे बेसिक सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे होशियार लोगों को यहाँ पर पता नहीं रहेगा एंड देन बोलेंगे कि आपने तो ऐसा कहा था, हमने बना दिया, लेकिन ये बेसिक सी चीज़ है। तो थोड़ा दिमाग यहाँ पर यूज़ थोड़ा दिमाग लगाओ एआई आर्ट को जनरेट करने से पहले। अगला क्वेश्चन ये आता है कि एआई आर्ट को आखिर ओन कौन करता है? चलो मैंने बना दिया, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट दे दिया, लेकिन इसका असली हकदार कौन है? तो अभी रिसेंटली एक ऐसा केस हुआ था एंड द आंसर इज नो वन। कोई इसका एक्चुअल में एट प्रेजेंट प्रॉपर ओनर नहीं है, एंड इसके लिए यूएस में जो अभी रिसेंटली केस वगैरह हुआ था कॉपीराइट के, यहाँ पे कहा गया था, तो यहाँ पर ये बोला गया कि फॉर अ वर्क टू बी कॉपीराइटेबल इट इज मस्ट टू दैट इट्स ओरिजिन टू अ ह्यूमन बीइंग। मतलब कि जो उसका ओरिजिन है वो ह्यूमन बीइंग के थ्रू ही होना चाहिए। अगर वो मशीन्स के थ्रू हो रहा है, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हो रहा है, तो एट प्रेजेंट वो कॉपीराइटेबल नहीं है और उसको कोई नहीं ओन करता है। दैट मीन्स एवरीवन कैन यूज इट,
कमर्शियली और उस पर कोई कॉपीराइट नोटिस भी नहीं कर सकता है। ये जो रूलिंग है ये अभी रिसेंटली आई थी अगस्त 18 को, एंड इसका मैं आपको पीडीएफ नीचे लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो यू कैन जस्ट रेफर इट इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर कि क्या था पूरा केस, तो आपको इस पीडीएफ पे मिल जाएगा। नाउ एआई आर्ट को कॉपीराइट कैसे करें, द बेस्ट वे टू डू दैट इज कि एआई आर्ट से आप लोग आइडियाज जनरेट कर लो, खूब सारे आइडियाज जनरेट कर लो, देन जो आपको उसमें से पर्टिकुलरली कुछ आइडियाज अच्छे लगे उसको इम्प्लीमेंट करवाओ किसी एक आर्टिस्ट के थ्रू। तो आप लोग हायर करो आर्टिस्ट को एंड देन उसको बोलो कि मुझे इस रेफरेंस के थ्रू आप एक नई डिज़ाइन बना के दो, दैट इज़ मच ईजियर, एंड देन आपको वहाँ पर कॉपीराइट भी मिल जाएगा क्योंकि आपने एक ह्यूमन सोर्स के थ्रू उसको बनाया है। वैसे मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे आई नो कॉपीराइट कराने का ज़्यादा चिक चिक नहीं है, उनको सिर्फ पैसे कमाने हैं ऑनलाइन बेच करके या कुछ भी करके, तो आप लोग कर सकते हो। नाउ देयर इज अ ग्रे एरिया, वो ग्रे एरिया क्या है कि जिस तरीके से इसको ट्रेन किया गया है कि बहुत सारे आर्टिस्ट के यहाँ पे इमेजेस ले ली गई है, उनको यहाँ पर नोटिस नहीं किया है, बहुत सारी फ्रीली जो भी इमेजेस अवेलेबल थी गूगल पे इधर उधर, इनफैक्ट इवन जो वाटरमार्क के साथ भी थी उनको भी यहाँ पर यूज़ किया गया है इसको ट्रेन करने के लिए। इंस्टाग्राम पे जितने भी, मतलब आप मानो कि आप एक आर्टिस्ट हो, आपने 10 साल लगाए अपने आर्ट को परफेक्ट करने के लिए, एंड देन कोई बैकग्राउंड में आता है उस आर्ट को चुरा लेता है, आपको पता भी नहीं चलता है, एंड देन उस आर्ट को बेसिस लेकर के वो दूसरी इमेजेस बनाता है, उसको बेचता है, उससे पैसे भी कमाता है, और आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो। वही भी हो रहा है यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ में, एंड दैट्स वाई बहुत सारे आर्टिस्ट ने इसको कंडेम भी किया है। फॉर एग्जाम्पल एक लॉइश करके काफ़ी पॉपुलर आर्टिस्ट है, इन्होंने भी कहा है कि इसको बैन होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, या फिर इसमें ऑप्ट आउट की परमिशन मिलनी चाहिए कि अगर मेरी इमेजेस है तो देर इज अ वे कि आई कैन ऑप्ट आउट ताकि उसको यूज़ नहीं किया जाए एआई आर्ट को ट्रेन करने के लिए। ऑल्सो गेटी इमेजेस जो कि काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे स्टेबिलिटी एआई को सू किया था कि उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी कॉपीराइटेड इमेजेस का यूज़ किया है स्टेबिलिटी एआई को ट्रेन करने के लिए, और देन उसको कमर्शियली बेचा भी है। सो अभी पूरा एआई आर्ट का जो सीन है वो ग्रे एरिया में है एट प्रेजेंट। कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, एज ऑफ नाउ यू कैन यूज़ एआई आर्ट फॉर मेकिंग मनी, आप उसको एटसी कहीं पे भी बेच सकते हो, दैट इज़ पॉसिबल, दैट इज़ लीगल, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस है उनका ध्यान रखना। दैट बीइंग सेड, एआई आर्ट के रिलेटेड, एआई के रिलेटेड अभी भी लॉज यहाँ पर इन प्रोसेस है, उसको अभी तक कोई प्रॉपर लॉज नहीं है फॉर एआई, हो सकता है आने वाले एक दो साल में आ जाए, बट एट प्रेजेंट नहीं है, दैट इज बीइंग इन डेवलपमेंट राइट नाउ। अब ये तो गुड न्यूज़ मिल गई कि एआई आर्ट से आप लोग पैसे यहाँ पे कमा सकते हो, अब मुझे कमेंट में ये बताना कि आप लोग कैसे यूज़ करने वाले हो एआई आर्ट को पैसे कमाने के लिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।